हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात ज़्यादा थक गया था तो सो गया था। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं रेडी हो चुका हूँ फिशी आइलैंड के लिए। अभी टूर बुक कर लिया है, पिकअप है अभी मेरा थोड़ी देर में। तो गाड़ी आ चुकी है, पिकअप कर लिया हमने और निकल चुके फिशी आइलैंड के लिए। तो ये गाड़ी आई थी हमें पिकअप करने के लिए। टिकट में ये नाश्ता इंक्लूडेड रहता है। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, 2 काउंटर्स लगे हुए हैं। आप जो ये टूर पैकेज बुक करोगे उसमें आपका नाश्ता, पिक एंड ड्रॉप सारा इंक्लूडेड रहेगा। ये आपको नेशनल पार्क का एंट्रेंस मिला के 5 से 6 हज़ार के बीच में पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कितने का आपको ऑफर मिल रहा है कूपन कोड अप्लाई करके। बाकी अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। अभी 8:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे। अभी पूरे लाइन से प्राइवेट बोट्स, लॉन्ग टेल सारे लगे हुए हैं। कल क्या हुआ मैं बताता हूँ। कल एयरपोर्ट पे मैंने 40 बात के आसपास एक वाटर बॉटल खरीदा था, क्योंकि डिले हो गई थी फ्लाइट। तो सील पैक बोतल रखा हुआ, फिर से चेक इन कराने गया, उन्होंने सील पैक बॉटल फेंक दिया। कल एक इंडियन मिला था मुझे एयरपोर्ट पे, मैंने पूछा आप इंडियन हो, तो कह रहा नहीं मैं साउथ इंडियन हूँ। पता नहीं क्या सोचते हैं साउथ इंडियन हूँ, इंडिया इंडिया होता है। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पटोंग बीच 40 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से एयरपोर्ट की शटल बस आपको 100 बात चार्ज करेगी, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, मतलब चीप रहेगा। जब भी फुकेट आए पटोंग बीच के आसपास रुके, यहाँ से सब कुछ आपको आसपास पड़ेगा। शिप पे बैठ चुके हैं, ये वाइट बैंड दिया है और लाइफ जैकेट पहना दिया है। We're leaving from here. 5:10. Everyone check in 5 minutes before. Boat number. तो खायल आइलैंड पहुंच चुके हैं। तो ये थी हमारी बोट और अभी हम खायल आइलैंड पे आ चुके हैं। क्रिस्टल क्लियर एकदम, विदेश में कितना अच्छा रहता ना बीच। यहाँ पे हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया गया है पूरा आइलैंड घूमने के लिए। वैसे छोटी सी आइलैंड है। बाकी यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब सामान मिल जाएंगे, बियर से लेके नारियल पानी सब। आइलैंड पे धूप ज़्यादा होगा तो कीप योर सनस्क्रीन विथ यू। तो मैंने एक नारियल पानी लिया है यहाँ पे 150 baht का, मतलब सिटी में 100 baht का है, यहाँ पे 150 baht का, 1.5 गुना ज़्यादा रेट होते हैं बीचेस पे। बोट के आने का टाइम हो गया है 10 बजे। बहुत ज़्यादा हाई टाइड है, हमारी सिर्फ वहाँ पार्क है। Everyone, the Phibidon Island, the mainland of the Six Island Area National Park. They have the boat auto for you. This is Camel Island here. तो
बस आ रही है, अभी स्टार्टिंग के लिए जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे स्नॉर्कलिंग हो रही है, देखो आप। I had lot of fun during snorkeling. Oh my god. So here we reached Monkey Island. Here we come to Fifi Island. फीफी आइलैंड पहुंच चुके हैं। फीफी आइलैंड पे हमारा लंच था और ये देखो नॉनवेज के लिए। एंड फॉर वेज नॉनवेज वालों के ये जगह जन्नत है। आइलैंड में प्रॉपर मार्केट वार्केट सब है। आपने बहुत सारी मूवी में ये बीच देखा होगा, बॉलीवुड हॉलीवुड सब में। नॉनवेज लवर्स के लिए ये प्लेस जन्नत है, बहुत सारे नॉनवेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, वेज वालों के लिए थोड़ा कम है। अभी बोट चार जगह और रुकेगी और एक बार स्नॉर्कलिंग और होगी तो वीडियो एक बार और आएगा। हमारी याद आ चुकी है। चलो, सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ फिफ्टी आइलैंड पे ही होता है। यहाँ के बीचेस कितने हाई मेंटेन्ड रहते हैं और पानी देखो कितना सही है। This is the famous Viking caves. One more time going to snorkeling. Finally, we reach our final destination, Maya Bay. ये आइलैंड पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। कुछ साल पहले यहाँ सुनामी आई थी। ये जगह देख के आपको ऋतिक रोशन की मूवी का याद आ गया होगा।
आज का दिन बहुत हैक्टिक था लेकिन मज़ा भी बहुत आया। तो 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलना है फिर होटल। ब्यूटीफुल प्लेस विद ब्यूटीफुल पीपल, ये तो टाइम हो चुका है हमारा निकलने का यहाँ से। बहुत ही प्यारी जगह थी। खाने पीने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स हैं, बाकी टॉयलेट की पूरी व्यवस्था है। बैटरी भी ख़त्म हो गई तो मिलूँगा आपको सिर्फ होटल पे। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही, और यहाँ पे लगता ही नहीं कब लोग सोते हैं कब जगते हैं। तो 24 घंटा चलता रहता है सब कुछ।